नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के बारे में, जिसका एनएससी का कोड है GSPL। ये स्टॉक को हम बारी बारी रेकमेंड किया है इस चैनल के ऊपर और हम इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं 179 रुपीज के आसपास, और जब भी ब्रेकआउट लेवल पे आया है या सपोर्ट लेवल पे आया है हमने बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप अपने प्रूफ के तौर पे उसको देख सकते हैं दोस्तों। अब हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट जो वीडियो मैंने GSPL पर कवरेज दिया था IRCTC के साथ, तो वहां पे मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर ये लेवल के ऊपर चलता है ये स्टॉक, तो आपको काफी जल्दी स्टॉक में मुनाफा बन सकता है। और हम जब से 179 रुपीज के आसपास था ये स्टॉक, तब से हम 300 का टारगेट आपको दिया था। बट काफी व्यूवर की ऐसा क्वेश्चन है कि सर अभी 300 तो आ गया, क्या इसमें रुकना चाहिए या पूरा प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए? तो उसकी वजह से ही मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। अगर अभी तक आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आप देख सकते हैं कि उसके बाद एक ही दिन के अंदर वो 311 हो गया, अपर सर्किट पे फ्रीज हुआ और उसके बाद वो क्लोज दिया 276, और आज भी इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है दोस्तों। यानी कि अभी 300 के आसपास है, ये डेली चार्ट के ऊपर था। अब हम वीकली चार्ट के ऊपर दोस्तों चले जाते हैं, और आपको पता है कि टेक्निकल जो एनालिसिस होता है उसमें एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लाइन रहता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम करते हैं और वहां से टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकली कितना टारगेट पॉसिबल है। तो ये अब 161% का जो रिट्रेसमेंट आ रहा है वो 336 रुपीज के आसपास आ रहा है। तो टेक्निकली जो दूसरा एक टारगेट आता है वो अराउंड 336 रुपीज के आसपास आता है, बट काफी स्टॉक चढ़ चुका है और एक गवर्नमेंट कंपनी है तो वैल्यूएशन तो काफी बेहतरीन है, और फंडामेंटल में भी थोड़ा चेंज हुआ है क्योंकि नेचुरल गैस जो है इसको GST के दायरे में लाने की संभावनाएं ज्यादा है, तो उसकी वजह से ये स्टॉक में इतनी अच्छी तेजी बनी हुई है। और फंडामेंटल एनालिसिस मैंने किया था और आपको बताया था कि बेहतरीन कंपनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो आगे आपके वित्तीय सलाहकार अगर आपको सलाह देते हैं तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं दोस्तों। बट हमारा जो टारगेट था 300 के आसपास, अगर आप अभी भी उसमें बने रहना चाहते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें डील कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में है। तो काफी अच्छा वैल्यूएशन यहाँ पे 336 तो कुछ ही टाइम के अंदर हो जाना चाहिए ऐसा लग रहा है, बट मार्केट का वैल्यूएशन भी काफी हाई है। तो अगर बहुत बड़ा करेक्शन आ जाता है सडनली तो फिर उसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस लिए बनाया गया है।